जशपुर जिले के पत्थलगांव थाना क्षेत्र में एक महिला को शराब पिलाकर नशे में आ जाने पर उसे घर छोड़ने के बहाने नर्सरी में ले जाकर महिला से दुष्कर्म करने वाले आरोपी परमानंद सारथी को पत्थलगांव पुलिस ने प्रार्थिया की शिकायत पर गिरफ्तार कर लिया है। भिलाई इस्पात संयंत्र के भीतर गैस होल्डर चौक से ऑक्सीजन प्लांट 2 के तरफ जाने वाली सड़क पर क्रेन ने साइकिल सवार ठेका श्रमिक को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके कारण ठेका श्रमिक की मौके पर ही मौत हो गई। रायगढ़ जिले के लैलुंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सोहनपुर पेट्रोल पंप के पास लैलुंगा से लिफ्ट लेकर आ रहे दो लड़के आधे रास्ते में लिफ्ट देने वाले का ही मोटरसाइकिल, मोबाइल और 500 रुपए को लूटकर भाग गए थे। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी अंकित पांडे व एक नाबालिग को गिरफ्तार कर आरोपियों के पास से लूट की बाइक, दो मोबाइल व चाकू को जब्त किया है। नगर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में टीम गठित कर चौकी अंजोरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम थनौद एवं बिरझर में सुनियोजित तरीके से छापेमारी की कार्रवाई की गई। ग्राम थनौद में 3 सट्टेबाजों को तथा ग्राम बिरझर में 2 सट्टेबाजों को सट्टा खिलाते पकड़ा गया। आरोपी गणों के पास से लाखों रुपए की सट्टा पट्टी सहित नगद रकम 45,000 रुपए जब्त की गई है। सीतापुर में नेशनल हाईवे से सटे बेशकीमती सरकारी जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाते हुए ढहा दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी के साथ कई बार विवाद की स्थिति भी निर्मित हुई, किंतु प्रशासन ने इसे दरकिनार करते हुए 7 अवैध कब्जेधारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए बेशकीमती सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई। धमतरी में एक सड़क छाप मजनू की हरकतों ने उसे जेल पहुंचा दिया। युवक पहले तो इंस्टाग्राम पर अपने साथ एक युवती की फोटो लगाकर मैसेज पोस्ट करता रहा। जब लड़की के परिजनों ने समझाया तो उसी के घर के बाहर चक्कर लगाने और अश्लील इशारे करने शुरू कर दिए। इस पर परिजनों ने FIR दर्ज करा दी। महासमुंद जिले में आरोपी द्वारा हाईटेक तरीके से ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से सट्टा खेला जा रहा था। मुंबई इंडियन एवं कोलकाता नाइट राइडर IPL क्रिकेट मैच में सट्टा खेलते व खिलाते एक आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से नगद 33,000 रुपए सहित अन्य सामान भी जब्त किया गया। बीजापुर जिले के बांसगोड़ा थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने 6 किलो की प्रेशर IED बरामद की है। बताया जा रहा है कि जवानों को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे से माओवादियों ने IED प्लांट कर रखी हुई थी। सर्चिंग पर गए जवानों ने IED बरामद किया और मौके पर ही डिफ्यूज कर दिया। गुरुवार को अंबिकापुर शहर की यातायात पुलिस ने होली क्रॉस स्कूल के सामने से ऐसे 65 स्कूटी बाइक जब्त की जिसमें छात्र छात्राएं ड्राइव कर स्कूल पहुंचे थे। पुलिस के द्वारा कई वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई तो कई को जुर्माना लगा के छोड़ा गया। कोरबा जिले के हरदी बाजार पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम डिटोल भाटा में आने जाने के लिए रास्ता बनाने के विवाद को लेकर एक 60 साल के बुजुर्ग की हत्या पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने पीट पीट कर कर दी। फरार होने वाले आरोपी को पुलिस ने गुरुवार को हसौद से गिरफ्तार कर लिया। किशोरी को शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा ले जाने वाले आरोपी को कोरबा जिले की पसान पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पसान पुलिस ने बताया कि एक किशोरी के स्वजनों ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि ग्राम कोट मर्रा निवासी विजय उरांव उसके साथ शादी करने का झांसा देकर भागा कर ले गया है। कोरबा जिले के कुसमुंडा खदान में नियोजित कंपनी नीलकंठ के इंचार्ज के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है और धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि इंचार्ज ने लाठी के दम पर FIR दर्ज कराने व काम कराने की चेतावनी दी है। कवर्धा जिले में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी करने के मामले में चिटफंड कंपनी के PACL के निदेशक सुब्रत भट्टाचार्य को स्थानीय पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर दिल्ली से कवर्धा लाई है। आरोपी अन्य मामलों में तिहाड़ जेल में बंद था। गुरुवार को कोर्ट में पेश कर स्थानीय पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है।
राजनांदगांव जिले की डोंगरगढ़ पुलिस ने अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी डिपरापारा वार्ड 24 डोंगरगढ़ निवासी अजय उर्फ सोनू यादव को गिरफ्तार किया है। मामला बीते 1 अप्रैल का है, जब आरोपी पीड़िता को बहलाकर भगा ले गया था। आईपीएल मैच में चल रहे सट्टा पर बस्तर पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि दोनों सटोरिये मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन दांव लगा रहे थे। छापेमारी के दौरान सटोरियों के कब्जे से नगद 1,400,000 रुपए, 1 टीवी और 42,00,000 रुपए की सट्टा पट्टी का लेन देन बरामद किया गया है। कांकेर जिले के परतापुर थाना क्षेत्र में महुआ बिनने को लेकर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि युवक ने बुजुर्ग दीन बंधु पर टंगिए से हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया और उपचार के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में आरोपी युवक मिथुन चड्डा को गिरफ्तार कर लिया है। कांकेर में संचालित जुपिटर वर्ल्ड पब्लिक स्कूल की बस बच्चों को स्कूल ले जाने के दौरान चालक को चक्कर आ जाने से बस विद्युत पोल से जा टकराई। इस दौरान बस में कई बच्चे सवार थे, लेकिन बस की रफ्तार धीमी होने के कारण बच्चे बाल बाल बच गए और हादसे में किसी को चोटें नहीं आई। शक्ति पुलिस ने चापा निवासी एक युवक के कब्जे से 300 सीसी कोडिन सिरप जब्त किया है। सिरप की कीमत तकरीबन 30,000 रुपए के करीब बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत जुर्म दर्ज किया है। जसपुर में तालाब में डूबने से 2 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चे स्कूल से लौटने के बाद नहाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन देर शाम तक नहीं लौटे। इससे परेशान उनके स्वजन और स्थानीय रहवासी उनकी रात भर तलाश में जुटे रहे। गुरुवार की सुबह ग्रामीणों ने दोनों लापता बच्चों के शव को तालाब में देखा। जसपुर जिले के कुनकुरी के बाजार डांड स्थित प्लाईवुड फर्नीचर व कपड़ा व्यवसायी की दुकान व मकान में लगी भीषण आग स्थल पर ड्यूटी कर लौट रहे आरक्षक की पुलिस बस में बैठे बैठे ही मौत हो गई। बगीचा थाने में दिलेश्वर भगत आरक्षक के पद पर पदस्थ था। पेंड्रा पुलिस ने सटोरियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। नगर में ही सट्टा पट्टी लिखते युवक को पकड़ा गया। उसके पास से मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट घड़ी, मोटरसाइकिल और नगद रकम 4,000 रुपए, कुल 1,59,000 रुपए जब्त किए गए हैं। दो महीने पहले हुई शादी के बाद अपनी पत्नी को लेने ससुराल आए युवक ने जहर खाकर जान दे दी। युवक अपनी पत्नी को तुरंत वापस चलने कह रहा था, लेकिन ससुराल वाले उसे नवरात्र तक रुक जाने के लिए कह रहे थे। इसी विवाद के बाद उसने नाराज होकर खुदकुशी कर ली। कुमारी पुलिस ने मामले की जाँच प्रारंभ कर दी है। बिलासपुर जिले के सरकंडा थाना क्षेत्र में चौबे कॉलोनी के दुर्गा मंदिर से पूजा का सामान व दान पेटी का रुपए पैसे चोरी हो गया। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनसे चोरी का माल भी बरामद किया है। जसपुर जिले के नारायणपुर थाना के केराडी चिड़क वाइन मुख्य सड़क में हुई एक सड़क दुर्घटना में 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा लीना सिंह की मौत हो गई। मृतिका लीना सिंह की मां जया सिंह दारा खारिका की सरपंच है। उसे स्कूटी में साथ लेकर वह केराडी से जन समस्या निवारण शिविर में गई थी। बालोद जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं जिला पंचायत के पूर्व सभापति अभिषेक शुक्ला ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद मरकाम व प्रदेश प्रभारी PN पुनिया को उन्होंने अपना इस्तीफा पत्र भेज दिया है। बेमेतरा जिले के प्रताप चौक के कपड़ा व्यापारी कीर्ति किशोर वर्मा की आत्महत्या के मामले में बेर्रा पुलिस ने रायपुर के 5 थोक व्यापारी प्रकाश होजेरी के संचालक मिन्नी गंगवानी, पुष्पा कलेक्शन के संचालक विशाल मोटवानी, दिनेश कलेक्शन के संचालक सुरेश मोटवानी, RS शट के संचालक दिनेश मुलानी और रवि कलेक्शन के संचालक श्रेयांश नाहटा के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
शादी समारोह में शामिल होने जा रहे पिता पुत्र जयराम नगर रेलवे फाटक के पास भनेसर मोड़ में ट्रेलर की चपेट में आ गए। हादसे में बाइक सवार पिता की मौत हो गई। वहीं 12 साल के बेटे को गंभीर चोटें आई हैं, उसे उपचार के लिए सिम्स भेजा गया है। घटना की जानकारी होने के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने चौक पर चक्का जाम कर दिया। राजधानी रायपुर के उरला इलाके से अपहरण किए गए 4 साल के बच्चे का आरोपी ने हत्या कर दी। पुलिस को बच्चे की लाश मिली। आरोपी ने बच्चे की हत्या बेमेतरा में ले जाकर की है। बच्चे को 3 दिन पहले किडनैप किया गया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पंचराम को महराज से गिरफ्तार किया है। कोरबा जिले में पिकअप और सुपर एक्सल वाहन के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। वाहन के बीच आपसी भिड़ंत होने से वाहन संचालक घंटों वाहन के नीचे फंसा रहा। हादसे के बाद गाड़ी में आग लगने से एक्सल वाहन के चालक की जलकर मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है।